हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। आज एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। आप सभी को पता है कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर छोटी सी बात मैं शेयर कर दूँ कि सूर्य ग्रहण में सूतक के नियम हमें इस वर्ष पालन नहीं करने हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत देश में दिखाई नहीं दे रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में आप 12 राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही आप 12 राशि वालों के राशिफल की भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यदि हम बात करें आजकल जो वीडियोस चलते रहते हैं हर समय, उनके हिसाब से तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव के वजह से लोगों की लाइफ उथल पुथल हो जाने वाली है एकदम। परंतु मेरी राय में ऐसा है कि जहां पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां रहने वालों पर 100% इस ग्रहण का असर पड़ेगा। परंतु जहां दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने प्रैक्टिकली देखी है कुंडलियां, उनके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप घबराएं नहीं जरा भी कि सूर्य ग्रहण है तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, उथल पुथल मच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत देश में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप आराम से रहें। हाँ, परंतु आप साथ में अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए हर रोज प्रयास करें। उसका सरल सा प्रयास होता है कि अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ करें। हम आप 12 राशि वालों के राशि फल की चर्चा करें, उसके पहले ग्रह गोचर जान लेते हैं। आज मेष राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध हैं, और शुक्र वृषभ राशि में है, मंगल देव मिथुन में है, केतु तुला राशि में है, शनि देव स्वयं की राशि कुंभ राशि में, गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में है। आज जिन बालकों का जन्म होगा उनके जीवन में अप्स डाउन लगे रहेंगे। आज केवल सूर्य ग्रहण नहीं है फ्रेंड्स, आज आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण बहुत लग रहा है, उस पर आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। परंतु आज का दिन सच में थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि आज चंद्रमा और राहु एक साथ में हैं, और चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि है, सूर्य पर तीसरी दृष्टि है, राहु पर तीसरी दृष्टि है। ऐसे में राहु का प्रभाव बढ़ गया है और चंद्रमा और सूर्य एक साथ होने के कारण ऐसे में जो स्थिति बन रही वो सुखकारी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आप मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब इसका अर्थ ये है कि आने वाले 15 दिन आपके लिए थोड़े से सावधानी से बरतने वाले दिन हैं। जी हाँ, थोड़ी सावधानी आप अवश्य रखें अगले 15 दिनों तक, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, आज राहु के साथ है, शनि की तीसरी दृष्टि में है। ऐसे में आपको मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आज आपको आपके मान प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ध्यान देना है। सूर्य आपके पंचमेश होते हैं, बुद्धि के ज्ञान के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको आपके संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आने वाले 15 दिनों तक ध्यान रखना है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर रही हैं। आपको आपकी आंखों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आपको आपके मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान देना है। हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें किसी को बोल दें जिस कारण से दूसरों को हर्ट हो। सबके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया था कि उनकी मेष लगन है, क्या उनकी जॉब पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाएंगे, क्या उनकी हेल्थ एकदम डाउन हो जाएगी। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको आपके हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान देना है, परंतु आपके जॉब पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस ग्रहण की वजह से। आप सभी मेष राशि वालों को मैं बता रही हूँ, आपके जॉब पर प्रोफेशन पर आपको टेंशन होगी, परंतु यहाँ आपके जॉब छूटने के योग नहीं बन रहे हैं। पर हाँ, आपके अगेंस्ट में लोग षड्यंत्र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसका असर आपके मानसिक स्थिति पर अवश्य पड़ रहा है। परंतु आप अपने वाणी का यूज करके सभी चीजों को सही कर रहे हैं, सूझबूझ से सभी कार्यों को सही कर रहे हैं।
अब बात करते हैं आप मेष राशि वालों की आज के दैनिक राशिफल की। मेष राशि वालों, आज चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बना, शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, ऐसे में आपको व्यसनों से, नशे आदि से दूर रहना है। साथ ही आज आपका मन थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके कोई भी कार्य बन नहीं कर रहे। ये स्थिति केवल 2 दिनों के लिए है, 2 दिनों के बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आप को परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है, साथ ही आपके जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिल रहा है। यात्राएं करनी पड़ी, यात्राओं में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, यात्राएं थोड़ी सी कष्टकारी दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं छोटे से उपाय की। आप सभी मेष राशि वालों को चाहिए कि आने वाले 15 दिनों तक प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को, जो कि साक्षात देव है, उन्हें आपको अर्घ देना चाहिए, जिसे हम जल प्रदान करना कहते हैं। जल देते हुए ओम घड़ी सूर्याय नमः, या फिर आप चाहे मेरे भाई तो आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तब सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई भी विपदा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। वैसे भी आपका पराक्रम बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा हुआ है, आपका विल पावर आपको हेल्प कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, ये सबसे अच्छी बात है। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है आने 15 दिनों में, आइए उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और उनका गोचर मेष राशि यानी आपके 12वें स्थान में हो रहा है। अब ऐसे में आपको चाहिए कि आप लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर आपके मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट में साजिश करें, आपकी बुराइयां करें आपके पीठ पीछे, पर ऐसी बातों से आपको परेशान नहीं होना है। और 15 दिनों तक आपको आपके वाणी का बहुत सोच समझ के प्रयास करना है, किसी और के झगड़े में आपको बीच में नहीं जाना है, ऐसी चीजों से आप दूर रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग सोच समझ करके करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार के सदस्यों का, बड़ों का जरूर विचार जान लें, उनके विचारों को जान करके ही फिर डिसीजंस लें। अब बात करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। शिवालो, आज आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आज आपका मन भटक रहा है, आपको नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। साथ ही आज आपको किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, परंतु आज आपको धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं, कहीं न कहीं से धन आगमन हो रहा है। आज आपको आपके कार्यस्थल पर थोड़ी सी परेशानियां महसूस हो रही हैं, काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लोग अपने भी काम आपको सौंप दे रहे हैं, इस कारण से आपका मन थोड़ा सा बेचैन है। साथ ही यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ आपको वहाँ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो रिश्तों को बचा के रखने की कोशिश करें। बात करते हैं आपके जीवन साथी की। आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, परंतु माता पिता के साथ आपके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आज के दिन को शांति से, संयम से आप निकाल दें। अब चर्चा करते हैं आपके लिए टिप की, उपाय की, जिसे आप करें ताकि आपके ऊपर ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा नहीं हो। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आप 15 दिनों तक ट्राई करें, ज्यादा ज्यादा सफेद कपड़ों का यूज करें या पिंक कलर के कपड़ों का यूज करें, और प्रतिदिन दोपहर में आप दही का अवश्य सेवन करें, परंतु याद रहे अमावस्या के दिन दही नहीं खाते हैं हम, तो आप आज के दिन दही का सेवन नहीं करेंगे। अब चर्चा करते हैं हम हमारे अगली राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा पहले इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य देव यहाँ आपके तृतीय भाव के पराक्रम का, जिसे हम घर कहते हैं, छोटे भाई बहनों का घर कहते हैं, वहाँ के स्वामी हैं, और इस समय वो मेष राशि में आपके विराजमान है, वहाँ पे उनको ग्रहण लग रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखना होगा, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि 15 दिनों तक आपको अपने मित्रों के साथ में तालमेल बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके मित्रों से आपकी किसी बात पर
आर्ग्यूमेंट हो जाए, जिस कारण से आपके अंदर दोनों में रिश्तों में तनाव यहाँ उत्पन्न हो सकता है। साथ ही आपके यहाँ आने वाले 15 दिनों पर ध्यान रखना कि आपको अचानक से धन हानि नहीं हो। साथ ही किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने मन की बातें सबके शेयर नहीं करें, करने से पहले 2 बार सोच लें। अब चर्चा करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपका खर्च बढ़ा हुआ है, आज आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ रही है, साथ ही आज आपके परिवार में भी शांति कम दिखाई दे रही है। आज आपको चिंताएं छोटी छोटी बातों की लगी हुई, परंतु आज आप बाहर घूमने जाने के प्लान में भी हैं। साथ ही आज आपको सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो रही है। केवल याद रखना है कि आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा संयम रखना है। साथ ही आज आपको अपने पार्टनर का, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कहते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके द्वितीय स्थान के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय वो मेष राशि में आपके दशम भाव में। ऐसे में क्या होगा ना, आप सभी के खर्च अनियंत्रित हो रहे हैं, धन लाभ में कमी हो रही है, साथ ही आपके परिवार में मतभेद हो रहे हैं, परिवार में कलह के योग भी बनेंगे। तो 15 दिनों तक आपको इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो। साथ ही आपको दुर्घटनाओं से थोड़ा सा बचाव करना है, ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। अब चर्चा करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। आज आपको धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, परंतु मन फिर भी आपका बेचैन है, किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहा। आप बहुत इमोशनल होते हैं, वैसे भी कर्क राशि वाले। इमोशनल होने के कारण आज का दिन आपके थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, दूसरों की बातों से आप खुद को हर्ट भी कर रहे हैं, परंतु आपका मन पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में लग रहा है, जिस कारण से आप ऐसी स्थिति से, सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आप सभी कर्क राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आप प्रतिदिन प्रभु श्री हरि के 1000 सहस्त्र नाम, जिसे हम कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके मन में शांति आएगी और साथ ही आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, भाग्य का साथ भी भरपूर रूप से मिलेगा। अब चर्चा करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा सूर्य ग्रहण, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पर 15 दिनों तक आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें, धूम्रपान जैसे गलत आदतों से आपके लिए दूर रहना बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपके जीवन साथी के साथ यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट थोड़े से बढ़ रहे हैं। कोई भी डील साइन करने से पहले आपको चाहिए कि आप सभी पेपर्स को प्रॉपरली चेक कर लें, दूसरों पर भरोसा आंख बंद करके नहीं करेंगे। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए 15 दिन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अब चर्चा करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। सिंह राशि वालों, आज आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ रही हैं, साथ ही आपके खर्चा थोड़े से बढ़े हुए हैं, आज आपको मन में शांति नहीं है, साथ ही परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर के आपस में आर्ग्यूमेंट के योग बने हुए हैं, जिस कारण से आप थोड़े से ज्यादा भावुक हो रहे हैं। आप सभी सिंह राशि वालों को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन आपको चाहिए कि आप सुबह स्नान के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, साथ में श्री राम प्रभु की स्तुति भी करें और हनुमान जी को और राम प्रभु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। मेरे यहाँ कहने का अर्थ है, जो भी आप प्रभु को भोग लगा रहे उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और बाद में उस प्रसाद, उस भोग को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आने वाले 15 दिन बड़े आसानी से प्रभु कृपा से निकल जाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए सूर्य ग्रहण। आप सभी को यहाँ पर आने वाले 15 दिनों तक विशेष रूप से ध्यान रखना है अपनी आंखों का। साथ में ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाभ कम हो रहा है, खर्च आपके ज्यादा अनियंत्रित हो रहे हैं, आपके पुराने शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको यात्राएं भी करनी पड़ी, यात्राओं में आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिस कारण से आप थोड़े से परेशान भी रहेंगे। साथ ही आपको आपके पैरों में दर्द की तकलीफ भी महसूस होगी। चर्चा करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के प्रभाव की। सूर्य ग्रहण
आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आप सभी तुला राशि वालों को एक बात याद रखना है कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। मित्रों के साथ आपके कुछ अनबन होने के यहाँ पे योग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके अनबन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर लाभ कम हो रहा है, थोड़ा सा आपको पैसों के मैटर में प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर आपको थोड़ी सी हानि भी दिखाई दे रही है। सभी डिसीजन सोच समझ करके लेंगे, बड़ों के साथ चर्चा करके डिसीजन लें। अब बात करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रेशर वाला दिखाई दे रहा है। आज आपका मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, इमोशनली थोड़ा वीक फील कर रहे हैं। साथ ही आज आपको काम का बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा है, सहकर्मियों का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम आपके ऊपर ही थोप दिया गया है। साथ ही आज आपको आपके जीवन साथी का भी उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, इस कारण से आपके मन में थोड़ी सी अशांति दिखाई दे रही है। आप सभी तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आप 15 दिन तक लगातार माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। इन 15 दिनों तक आप सभी को चाहिए तुला राशि वालों की आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद या पिंक कलर के कपड़ों का यूज करें। ऐसा करने से 15 दिन बड़े आसानी से आपके निकल जाएंगे। चर्चा करते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सूर्य ग्रहण उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय वो आपके रोगिणी शत्रु के घर में हैं और साथ में वहाँ पे बुध राहु हैं, शनि की दृष्टि में है। ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि वालों को अपने काम पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके सहयोगी आपको परेशान कर सकते हैं, काम का बोझ ज्यादा आ सकता है और स्पेशली ये दो दिन आपके लिए थोड़े से ज्यादा हार्ड दिखाई दे, क्योंकि यहाँ आपके भाग्य स्वामी चंद्रमा भी राहु से ग्रसित हैं। ऐसे में चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हुई है, दो दिन तो बहुत ज्यादा हार्ड है आपके लिए, मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा, उसके बाद में आपके ऊपर ये महीना पूरा समझ लें तो थोड़ा कठिन ही है, इस महीने को संभाल करके निकालें। अभी 22 तारीख को जब गुरु भी आ जाएंगे सूर्य बुद्ध के साथ में, तब गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा। गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ में धन लाभ के भी स्वामी होते हैं। ऐसे में आप सभी को इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करनी है, साथ ही यहाँ पर आपके खर्च बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो रहे हैं, जिस कारण से आप चिंतित भी हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव के योग भी बने रहेंगे, भाग्य साथ उतना मजबूत नहीं मिल रहा है, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ आपको आपके रिश्तों पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, ऑफिस में किसी से ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब चर्चा करते हैं आप लोगों के उपाय के लिए। आप वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा येल्लो कलर का अपने जीवन में प्रयोग करें, साथ ही आप सफेद कलर के आइटम्स का भी ज्यादा प्रयोग करें। ऐसा करने से आपको मन की शांति मिलेगी। आप सभी को चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, आप थोड़ा सा सफेद चंदन अवश्य अपने मस्तक पर लगाएं और नशे आदि चीजों से आप दूर रहेंगे, आपके लिए यही सलाह दी जाती है। अब चर्चा करते हैं हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा पहले इस पर विचार करते हैं। सूर्य ग्रहण आपके लिए उतना अच्छा प्रभाव लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और जब भाग्य पे ही ग्रहण लग रहा है स्वामी पर, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए समय थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान देना है और आज और कल दो दिन आपके लिए थोड़े से ज्यादा कठिन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको आपकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान देना है, साथ ही आपको किसी की बातों पर भरोसा भी नहीं करना है। आप धनु राशि वालों को यहाँ सलाह दी जाती है कि अपने वर्क पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ बुध भी राहु के असर में है और साथ में ही जब 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे, तब वो वहाँ पर राहु के होने की वजह से गुरु चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है, जिस कारण से आपके राशि के स्वामी भी यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी धनु राशि वालों को चाहिए कि बहुत सोच समझ के अपने सारे डिसीजन लें, ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, ज्यादा उत्तेजना में कोई काम नहीं करें और आज और कल दो दिन आपके थोड़ा सा ज्यादा हार्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संयम बनाए रखें, सूझबूझ से काम करें। आप सभी धनु राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आपको चाहिए कि आप हर रोज सुबह उठ करके सूर्य देव की आराधना जरूर करें, उन्हें एक लोटा अर्घ जरूर प्रदान करें,
अर्घ में जल, जिसे हम कहते हैं जल देना, उसके अंदर आप गंगा जल मिला लें पानी के जल में, और साथ में आपको चाहिए बिना टूटे हुए चावल, हल्दी और कुमकुम जिसे रोली भी कहते हैं डाल करके फिर सूर्यदेव को अर्घ दें और उनके सामने खड़े होकर आप चाहे तो हनुमान चालीसा मेरे भाई पाठ कर सकते हैं। और आप मेरी बहनों को चाहिए कि आप माता दुर्गा की आराधना करें, ऐसा करने से भाग्य का साथ अवश्य आपको मिलेगा। अब चर्चा करते हैं हम मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्य ग्रहण का असर कैसा होगा आपके लिए? सूर्य ग्रहण का असर यहाँ पर आपके लिए उतना अच्छा लाभकारी नहीं है। आपको यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। दुर्घटनाओं के थोड़े से योग भी बन रहे हैं, ऐसे में आपको वाहन सोच समझ करके चलाना है। आपके काम बनते हुए थोड़े से रुक भी रहे हैं, जिसका आप ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार से थोड़े से मतभेद होंगे आपके परिवार में, साथ ही आपके मान प्रतिष्ठा का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ये तो बात थी सूर्य ग्रहण के प्रभाव की। यदि हम राशि दैनिक राशिफल की बात करें तो यहाँ पर दो दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके जीवन साथी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। साथ ही आपको आपके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, चोट चपेट से ध्यान देना है। साथ ही आपको नशे आदि बुरी आदतों से खुद को बचा करके रखना है, ऐसी आदतों से दूर रहें, अन्यथा प्रॉब्लम ज्यादा होगी। यहाँ बड़े भाई बहनों के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है। और 22 अप्रैल को जब गुरुदेव बृहस्पति भी राहु के एक्सिस में आ जाएंगे, तब आपके लिए बहुत ज्यादा सोच समझ करके डिसीजंस लेने का समय रहेगा। आपको आपके रिश्तों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास आ रही है, किसी बात को लेकर के आप चिंतित ज्यादा हो रहे हैं। आपको आपकी वाणी का सदुपयोग करना है, अन्यथा आपके लिए दो दिन थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। अब आप सभी के लिए उपाय जो है, आप सभी को चाहिए मीन राशि वालों को कि आप लाल कलर के कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में यूज करें। जितना ज्यादा आप लाल रंग का यूज करेंगे, रेड कलर का, उतना आपको प्रगति मिलेगी, और साथ ही जो ये हार्ड टाइम है ये भी आसानी से निकल जाएगा। आपके शत्रु आपको परेशान करें, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना। किसी से लोन लेंगे नहीं, किसी को लोन देंगे नहीं, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं। आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि आप अपने जीवन में हरे कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और हर सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा अवश्य करें। शनि चालीसा का पाठ करते रहें शनिवार को संध्या समय के बाद में, और बुधवार के दिन आपको चाहिए आप गौ माता की सेवा करें और किसी शिवालय में जाकर के एक मुट्ठी हरी मूंग भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करें। अब चर्चा करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। क्या प्रभाव होगा सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर? सूर्य आपके यहाँ पर सिक्स हाउस के स्वामी होते हैं और उनका गोचर हो रहा है आपके धन भाव में सेकेंड हाउस में। आज चंद्रमा और सूर्य साथ में हैं। अब ऐसे में क्या होगा ना, आपको यहाँ पर आपकी संतान का विशेष रूप से ध्यान देना, विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका मन यहाँ भटक रहा है। साथ ही आपको आलस और प्रमाद भी ज्यादा रहेगा। आपको राज्य के कार्यों में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। आपके परिवार में कुछ मतभेद की स्थिति भी दिखाई दे रही है। अब 22 अप्रैल को जब वहाँ गुरुदेव बृहस्पति भी आपके आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको धन लाभ तो हो रहा है, परंतु साथ में आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप सभी को चाहिए मीन राशि वालों को कि आप प्रतिदिन प्रभु विष्णु की, प्रभु श्री हरि की अच्छे से आराधना करें, पूजा करें उनकी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही सूर्यदेव को अर्घ भी प्रदान करें। ऐसा करते रहने से जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिलता चलेगा। अब बात करें आपके दैनिक राशिफल की, तो आज का दिन आपके थोड़ा सा आलस भरा हुआ है, आपके शत्रु परास्त हो रहे हैं। आज आपको आपके रिश्तों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास आ रही है, किसी बात को लेकर के आप चिंतित ज्यादा हो रहे हैं। आपको आपकी वाणी का सदुपयोग करना है, अन्यथा आपके लिए दो दिन थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। अब आप सभी के लिए उपाय जो है, आप सभी को चाहिए मीन राशि वालों को कि आप लाल कलर के कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में यूज करें। जितना ज्यादा आप लाल रंग का यूज करेंगे, रेड कलर का, उतना आपको प्रगति मिलेगी, और साथ ही जो ये हार्ड टाइम है ये भी आसानी से निकल जाएगा।